जफराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा धनेजा में जमकर चले लाठी डंडे मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल सूत्रों के अनुसार धनेजा में चौहान बस्ती के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष से जो शुरू हुई मारपीट गुंडागर्दी दारू शराब गांजा एवं कट्टे असलहों एवं धारदार हथियारों से लैस थे, जिन पर पहले से ही मर्डर एवं कई अन्य मुकदमे चल रहे हैं। ये मुख्यतः दुरंता चौहान एवं दुरंता चौहान, रामसिंह चौहान, अंता रविंद्र चौहान, राजू जोखू, बिल्लू चौहान, राजकुमार, विष्णु, श्री राम चौहान, इनके अलावा बाहर से बुलाए गए उपद्रवी धीरज, निषाद, नितिन उर्फ निरहु एवं सन्नी निषाद है। दूसरा पक्ष अपना जीवन यापन शांतिपूर्ण तरीके से घर निर्माण कर लेबर मिस्त्री का काम कर जीवन यापन करता है। एक मामूली कहासुनी को लेकर प्रथम पक्ष के तुरंता रविंद्र चौहान के लोगों ने प्रायोजित घटना के तहत कई लोगों के साथ जमकर गुंडागर्दी की, जिसमें मुख्यतः तुरंता चौहान पुत्र रविंद्र एवं अन्य धारदार हथियार से जमकर मारा पीटा, जिसमें दूसरे पक्ष के लोगों में कम 12 लोगों के सिर फट गए। यहाँ तक कि औरतों बच्चों बेटियों को भी नहीं छोड़ा, जिसमें मुख्यतः छोटे लाल सिंह चौहान, मनीष, अजय, सूरज, शिवपूजन, विनोद, दीपचंद, जय सिंह चौहान के सर फूट गए। मामला यही नहीं थमा, उन्होंने घर के अंदर घुसकर जमकर महिलाओं के ऊपर भी लाठियां भाजी, जिसमें फुलगेना देवी, इंद्रावती देवी, सुनीता सिरजमल, चमेली देवी चौहान को गंभीर चोट आई। हालांकि इस मामले की जानकारी होते ही जफराबाद के यशो मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। फिर भी प्रथम पक्ष के लोगों ने तुरंता एवं रविंद्र आदि ने की गुंडागर्दी इस स्तर तक थी कि एक बार रात में इन्होंने दम भर उपद्रव किया और करीबन 10 से 12 लोगों को जमकर पीटा, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और सदर हॉस्पिटल जौनपुर में इलाज चल रहा है। इसके बावजूद सुबह दोबारा पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद मनबढ़ युवकों ने फिर से द्वितीय पक्ष के लोगों को पीटा, जिसमें पुनः 3 लोगों के सिर फट गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या प्रथम पक्ष तुरंता एवं रविंद्र आदि के लोगों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है? यह जौनपुर की कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है। और अभी तक प्रथम पक्ष तुरंता व रविंद्र आदि के लोगों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के तहत उन्हें पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। प्रशासन शायद इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ी घटना घट जाए, तब वह किसी कठोर कार्रवाई के लिए अग्रेसित होंगे। मुख्य चश्मिंदों एवं घटना से प्रताड़ित लोगों ने क्या कुछ कहा, खास रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं। छोटे लाल चौहान जी, क्या विवाद था? जो है विवाद, वो लोग उसके लड़के गाली दे रहे थे और हमारे परिवार वाले गए उनको कहने के लिए, उनके पिताजी के आके समझा लो, तो वो लोग बल्लम भाला लेके और सबको मार के पीटते चले गए। जो मारे हैं उनका नाम है तुरंता राम सिंह। कितने लोग थे? अरे वो लोग थे कम से कम 10-15 लोग। कहीं प्रार्थना पत्र दिया गया? हाँ दिया, थाने पर दिया गया है। किस थाने पर दिया? जफराबाद थाने पर। क्या कहा गया वहाँ से? वहाँ से अभी एक आदमी को गिरफ्तार किया, 3 को गिरफ्तार किए थे, 2 को छोड़ दिए, एक को अभी है जेल गया। जेल गया। कितने लोग आपकी तरफ जो है घायल हुए हैं? अरे 14 लोग। 13-14 लोग, छोटा मामला नहीं दिखाई दे रहा, बड़ा मामला दिखाई दे रहा, कम से कम 13-14 लोग। और कुछ विवाद था जिसको लेकर जो है ये लोग मारे पीटे? अरे सर पहले होली को एक बार वो लोग मारपीट कर रहे थे, मैंने वीडियो बनाया था इसीलिए और मारे पीटे। अच्छा उस दिन जो जब मारते पीटते आपको, उस दिन क्या हुआ था? जो है किसी को कुछ कहा गया, गाली गलौज दिया गया? नहीं किसी को नहीं गाली गलौज दिए। हमारी लड़की, हमारे आदमी क्यों ना सब परदेश रहा। अच्छा। और हमारे वो कल लड़किया दारू पिए के ढकेल हमारे साइकिल। क्या नाम था जो ढकेला था, जो लड़का था शराब पिए था? अजय दुर्जन के बेटा। वो बच्चियों को गाली गलौज दे रहा था? नहीं 8 साल के, साइकिल का ही दबाई दी, साइकिल से दबाई दी, दबाई दी। हमारी लड़की बोली तो फिर आधा लेके खड़ा लेके छिनार बुजरी भोपड़ा चौधरी कुल गरियाई है आधा लेके दौड़ाई, और वो बगीचा से आधा लेके दौड़त घरे मारे गली, घरे में घुस घुस कुल मारे, घर में घुस। हाँ, आपने कहीं शिकायत उकायत किया? और थोड़ा वो थाना पे गए था, ये लोग छोड़ा लिया। क्या कहा गया थाने से? थाने पे प्रधान लोग। अच्छा प्रधान जो गए थाने पे लिखाए था, थोड़ा वो पुलिस आने धक ले गया, कुल भागे नहीं। कौन है आपके ग्राम सभा के प्रधान? सुनील प्रधान। सुनील प्रधान, उनके द्वारा क्या कहा गया आपको? तब अथुआ वो नाए रहें तो आन तक छोड़ाए लें, तो फिर फोन छोड़ाए, तब अथुआ वो एक खोज सुनवाई है। थाने से कोई सुनवाई नहीं हुआ आप लोगों का? नहीं। मुकदमा पंजीकृत हुआ है? हाँ। नाम से मिला है। क्या मामला है? घर में ही लील के सब को एक के मारे हैं, हम लोग भी मारे हैं। कितने लोग आपके घायल हुए हैं? अरे सब जन 12 जने हैं।
कोई पुरानी रंजिश के लेकर हुआ था विवाद? कुछ नहीं। कितनी कितनी महिलाएं घायल हुई हैं? 12 जने। सबको मिलाकर बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता चौहान है। क्या मामला हुआ था? सर, हमारे हस्बैंड जी को गाली दे रहे थे ये लोग, फिर हमारी सास गई समझाने, समझाते समझाते तब तक उधर से ये लोग आए और हमारे हस्बैंड हमारे देवर को मारने लगे। फिर हम गए इन लोगों को पकड़कर घर में लाकर इन लोगों को ठंडा किया। हम कहे जाने दीजिए, अभी हमारे घर में शादी पड़ी है, शादी के मौके के लेकर हम लोग देखते हैं कि जाने दीजिए मत मारे। तो ये लोग मारते पीटते चले गए। फिर उसके बाद जब हमें हमारे घर में आ करके हमारा मंगलसूत्र छीन करके हमें भी मारे, हमें भी चोट लगी है। और ये लोग अभी भी धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं शादी नहीं होने देंगे और एक एक लोग को मार डालेंगे। प्रशासन किससे क्या मांगे हैं? प्रशासन से हम यही मांग किए हैं कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई करें, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बस प्रशासन को कोई मदद आपको नहीं मिल रहा? नहीं सर, बस आ रहे अपनी फॉर्मेलिटी अदा करके चले जा रहे हैं, बस यहाँ पर ड्यूटी देने आ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। जिसको पकड़े थे उसको भी। किस गाँव की मामला है? बस मारने वाले कुछ नाम? सर, मारने वाले बहुत सारे लोग थे, जितने लोगों का नाम याद है हम बता रहे हैं। रविंदर चौहान, अंता चौहान, तुरंता चौहान, निरहु चौहान, निरहु निषाद और जोखू चौहान और धीरज निषाद और जोगेंद्र चौहान। ये लोग मनबड़ किस्म के व्यक्ति हैं क्या? जी सर, ये लोग इकट्ठा बंदूक लेकर के आए और हम तो घर में थे, हम तो नई नवेली दुल्हन है, लेकिन हमें ये लोग जबरदस्ती घसीट कर मारे और हमारा मंगलसूत्र छीन लिए। बोले कि अगर बोलेगी तो तुझे जान से मार डालेंगे, हम अपने पति को बचा रहे हैं। कौन सा थाना है? जफराबाद थाना है सर। हमारे साथ तो हम खाना खा रहे थे और उधर गाली गलौज ये लोग किए थे, हम द्वार पर खड़े थे, ड्यूटी से आए और उसके बाद खाना खा रहे थे और उसके बाद धड़ाधड़ पीटते चले गए वो लोग। क्या नाम था पीटने वालों का? राम सिंह और उर्फ तुरंता और अंता और रविंदर। कितने लोग थे टोटल? टोटल तो सर मैंने गिर गया और रात थी, मैंने गिर गया, मार रहे हैं, मैंने तो देखा ही था लोग। कब की घटना है ये? 8 बजे रात की। 8 बजे रात की? किस दिन की? 19 तारीख को 8 बजे रात की घटना है। तो किस चीज से वार किया गया आपको? बल्लम पहले डंडा से मारे थे जी, तो बल्लम लेके आए थे। पहले का कोई रंजिश था क्या? पहले का वही सर बता रहे हैं कि होली को वीडियो में बनाया था, वही हमें लग रहा है वही रंजिश था। गाली दे रहे थे, मैंने वीडियो बनाया। मौके पर प्रशासन आए थे? नहीं, प्रशासन सूचना देने पर प्रशासन रात को आए थे मौके पर। हाँ, प्रशासन आई थी, आई थी, कोई सुनाई नहीं। क्या कहा गया प्रशासन के द्वारा? प्रशासन वो मुकदमा दर्ज किया उसके बाद वहाँ ले गए दो आदमी को पकड़ के सुबह में, उसके बाद वो एक आदमी मेडिकल। कितने लोग आपकी तरफ से घायल हुए हैं? 14 लोग। क्या नाम है आपका? छोटे लाल चौहान। क्या मामला हुआ था बेटा? क्या हुआ था आपके? क्या हुआ था? कौन मारा था बेटा? के मारे रहा है? बोल दा। हाँ, पापा की। पापा की? हाँ। अरे एक बंदूक लाल बंदूक लेके तुरंत चौहान मारे थे। एक कच्चू चक्कू और एक गोजी। कितने लोग के पापा को मारे थे बेटा? हाँ। और कौन कौन थे? कहाँ घुस के मारे? नाम जानती बेटा किसी का? कहाँ घुस के? घर में। घर में? और किसको मारे? चाचा कौन मारा? चाचा के। हाँ, सूर्य चाचा के। हाँ, लोग मारे हैं। के मारे हैं? नहीं। के नाम बोला? एक नाम बोला एक बंदूक कर ले के कच्चू। के ले है रहा बंदूक कच्चू? ये के नाम बोला? ये काला के अंता तुरंता। हाँ। और राजू चौहान? राजू चौहान। हाँ। और दारा चाचा कौन मारे? दारा के। हाँ, बोला। जौनपुर से सीएम न्यूज अखिलेश सिंह की खास रिपोर्ट। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। सीएन न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए सीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।